खंडवा शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में सफाई को लेकर कॉलोनी वासी और सफाई कर्मी आमने सामने हो गए। नालियों की सफाई नहीं होने पर रहवासियों ने खूब नाराजगी जताई। कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी यहां केवल औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, महीनों तक नालियों की सफाई नहीं होती है, नालियों में गंदगी फंसी रहती है। वहीं वार्ड के सफाई जमादार राम सिंह ने बताया कि हर दूसरे दिन नालियों की सफाई होती है। जब नागरिकों ने विरोध जताया तो स्वास्थ्य अधिकारी भुवन श्रीमाली ने कहा कि कॉलोनी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इस पर महिलाओं ने कहा कि सफाई जमादार तो यहाँ बहुत कम आते हैं, सफाई कर्मचारी औपचारिकता कर निकल जाते हैं। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। नाम है राम सिंह। क्या करते हो आप यहाँ? वार्ड जमादार। वार्ड जमादार हो? सफाई सफाई जो नालियों की सफाई है ना, सफाई तो करवाए थे हमसे, तो करवाए तो अभी जब बात उठी जब आप करवा रहे हो? जी हाँ, जैसे करवा ना वैसे करवा रहे। नहीं तो कितने दिनों में नालियों की सफाई कितने दिनों में करवा दो? दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ तो ओ बाप रे कितना झूठ। ये लो ना, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये तो कीड़े तीन फर्शे सब डाल रखे ना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर है तीन के ऊपर जो आप लोग ही फेंकते हो पन्नी का मेन पन्नी बिल्कुल नहीं वापर रहे। हम लोग बुरा कचरा कर लिया, इसमें पन्नी निकल गई तो निकालो निकालो पन्नी वगैरह निकल गई निकालो निकालो नालियों में नहीं। क्या बात कर रहे हो? अरे हम खुद डालते हैं भैया लोग, खुद डालते हैं। ये पन्नियाँ पड़ी है, ये डिस्पोजल पड़े है, ये किसके है? मैंने डाले लगे यहाँ पे। डिस्पोजल कहाँ का? ये देखिए ना, ये पन्नियाँ पड़ी है। मूल्य के साथ साफ सफाई अभियान रोज होना चाहिए, चाहिए से तो स्वच्छता अभियान का जो ये चला रहे हैं अभियान, उस पर अपना ये है कि विचार है कि पूरी नालियां साफ हो, रोड पे कचरा साफ हो, अच्छा रहे, स्वस्थ मच्छर नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।